दोस्तों, अगर आप भी अपूर्वा मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपूर्वा मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। बात करें दोस्तों अपूर्वा मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी हमें डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस मूवी का प्रीमियर हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों निखिल भट्ट, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.2 की रेटिंग दी गई है, एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, देरिया करवा, राजपाल यादव आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। ये मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाकर एक बार तो इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बंजर और बियाबान इलाके से, जहां दूर दूर तक आदमजात का पता नहीं। रास्ते में चार बेरहम और राक्षस सरीके गुंडे एक बस को लूट कर रक्तपात कर देते हैं और अपने साथ अपूर्वा तारा सुतारिया को बंधक बना लेते हैं। ये चारों गुंडे जुगनू राजपाल यादव, सुक्का अभिषेक बनर्जी, बल्ली सुमित गुलाटी और छोटे आदित्य गुप्ता ऐसे हद तक हिंसक है कि पलक झपकते ही वे किसी का भेजा उड़ा सकते हैं। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं होती। असल में तेज तरार अपूर्वा अपनी गाड़ी को आगे ले जाने की जिद में इन गुंडों के गुस्से को निमंत्रण दे बैठती है। अपूर्वा की एक बैक स्टोरी भी है। ये जिंदा दिल बहादुर और खूबसूरत लड़की अपने मंगेतर धैर्य करवा की वर्क सिटी में जाकर उसे उसके जन्मदिन पर सरप्राइज करना चाहती है, मगर तभी उसे अगवा कर दिया जाता है। अभी ये चारों गुंडे अपूर्वा का बलात्कार करके उसे मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी उसे सुनसान इलाके में पंडित राकेश चतुर्वेदी रास्ता खोजते हुए आ धमकता है। गुंडे उसे भी अपूर्वा के साथ बंधक बना लेते हैं। छोटे की थप्पड़ से बेहोश हुई अपूर्वा को होश आता है और वो पंडित के साथ भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। बस उसके बाद शुरू होता है खूनी खेल, जिसमें सबसे पहले पंडित मारा जाता है। डरी सेम जी और नाजुक अपूर्वा को गुंडे कमतर आंकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि ये सीधी सादी लड़की अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए रणचंडिका बन सकती है। मगर क्या अपूर्वा इन दानवों से बच पाती है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी।
दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, ये मूवी दोस्तों आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो लेखक निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की फिल्म की खूबी है इसका बांधे रखने वाला पेस। फिल्म थ्रिलर जोनर की है और नागेश इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि फिल्म खींचने न पाए, इस हिसाब से फिल्म का रन टाइम 1 घंटा 36 मिनट का है और वो परफेक्ट रहता है। दूसरी खूबी यह है कि डरी सहमी हुई नाजुक लड़की का अपने बल नहीं बल्कि बुद्धि के सारे हार ने मानने का जज्बा। आए दिन हमें लड़कियों के साथ होने वाली सेक्सुअल हेरेसमेंट की खबरों से दो चार होते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेम्बरशिप लेनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेंबरशिप ले लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अपूर्वा मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपूर्वा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। बात करें दोस्तों अपूर्वा मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी हमें डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। जी हाँ दोस्तों ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है, तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस मूवी का प्रीमियर हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों निखिल भट्ट, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.2 की रेटिंग दी गई है, एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, धैर्या करवा, राजपाल यादव आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी है। ये मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाकर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बंजर और बियाबान इलाके से, जहां दूर दूर तक आदमजात का पता नहीं। रास्ते में चार बेरहम और राक्षस सरीके गुंडे एक बस को लूट कर रक्तपात कर देते हैं और अपने साथ अपूर्वा तारा सुतारिया को बंधक बना लेते हैं। ये चारों गुंडे
जुगनू राजपाल यादव, सुक्का अभिषेक बनर्जी, बल्ली सुमित गुलाटी और छोटे आदित्य गुप्ता ऐसे हद तक हिंसक है कि पलक झपकते ही वे किसी का भेजा उड़ा सकते हैं। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं होती। असल में तेज तरार अपूर्वा अपनी गाड़ी को आगे ले जाने की जिद में इन गुंडों के गुस्से को निमंत्रण दे बैठती है। अपूर्वा की एक बेक स्टोरी भी है। ये जिंदा दिल बहादुर और खूबसूरत लड़की अपने मंगेतर धैर्य करवा की वर्क सिटी में जाकर उसे उसके जन्मदिन पर सरप्राइज करना चाहती है, मगर तभी उसे अगवा कर दिया जाता है। अभी ये चारों गुंडे अपूर्वा का बलात्कार करके उसे मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी उसे सुनसान इलाके में पंडित राकेश चतुर्वेदी रास्ता खोजते हुए आ धमकता है। गुंडे उसे भी अपूर्वा के साथ बंधक बना लेते हैं। छोटे की थप्पड़ से बेहोश हुई अपूर्वा को होश आता है और वो पंडित के साथ भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। बस उसके बाद शुरू होता है खूनी खेल, जिसमें सबसे पहले पंडित मारा जाता है। डरी सेम जी और नाजुक अपूर्वा को गुंडे कमतर आंकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि ये सीधी सादी लड़की अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए रणचंडिका बन सकती है। मगर क्या अपूर्वा इन दानवों से बच पाती है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो लेखक निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की फिल्म की खूबी है इसका बांधे रखने वाला पेस। फिल्म थ्रिलर जोनर की है और नागेश इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि फिल्म खींचने न पाए। इस हिसाब से फिल्म का रन टाइम 1 घंटा 36 मिनट का है और वो परफेक्ट रहता है। दूसरी खूबी यह है कि डरी सहमी हुई नाजुक लड़की का अपने बल नहीं बल्कि बुद्धि के सारे हार ने मानने का जज्बा। आए दिन हमें लड़कियों के साथ होने वाली सेक्सुअल हेरेसमेंट की खबरों से दो चार होते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेम्बरशिप लेनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेंबरशिप ले लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अपूर्वा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपूर्वा मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। बात करें दोस्तों अपूर्वा मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी हमें डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस मूवी का प्रीमियर हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट
किया तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों निखिल भट्ट, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 6.2 की रेटिंग दी गई है, एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, धैर्या करवा, राजपाल यादव आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। ये मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस और स्टार पर जाकर एक बार तो इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बंजर और बियाबान इलाके से, जहाँ दूर दूर तक आदमजात का पता नहीं। रास्ते में चार बेरहम और राक्षस सरीके गुंडे एक बस को लूट कर रक्तपात कर देते हैं और अपने साथ अपूर्वा तारा सुतारिया को बंधक बना लेते हैं। ये चारों गुंडे जुगनू राजपाल यादव, सुक्का अभिषेक बनर्जी, बल्ली सुमित गुलाटी और छोटे आदित्य गुप्ता इस हद तक हिंसक है कि पलक झपकते ही वे किसी का भेजा उड़ा सकते हैं। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं होती। असल में तेज तरार अपूर्वा अपनी गाड़ी को आगे ले जाने की जिद में इन गुंडों के गुस्से को निमंत्रण दे बैठती है। अपूर्वा की एक बेक स्टोरी भी है। ये जिंदा दिल बहादुर और खूबसूरत लड़की अपने मंगेतर धैर्य करवा की वर्क सिटी में जाकर उसे उसके जन्मदिन पर सरप्राइज करना चाहती है, मगर तभी उसे अगवा कर दिया जाता है। अभी ये चारों गुंडे अपूर्वा का बलात्कार करके उसे मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी उसे सुनसान इलाके में पंडित राकेश चतुर्वेदी रास्ता खोजते हुए आ धमकता है। गुंडे उसे भी अपूर्वा के साथ बंधक बना लेते हैं। छोटे की थप्पड़ से बेहोश हुई अपूर्वा को होश आता है और वो पंडित के साथ भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। बस उसके बाद शुरू होता है खूनी खेल, जिसमें सबसे पहले पंडित मारा जाता है। डरी सेम जी और नाजुक अपूर्वा को गुंडे कमतर आंकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि ये सीधी सादी लड़की अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए रणचंडिका बन सकती है, मगर क्या अपूर्वा इन दानवों से बच पाती है ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो लेखक निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की फिल्म की खूबी है इसका बांधे रखने वाला पेस। फिल्म थ्रिलर जोनर की है और नागेश इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि फिल्म खींचने न पाए। इस हिसाब से फिल्म का रन टाइम 1 घंटा 36 मिनट का है और वो परफेक्ट रहता है। दूसरी खूबी यह है कि डरी सहमी हुई नाजुक लड़की का अपने बल नहीं बल्कि बुद्धि के सारे हार ने मानने का जज्बा। आए दिन हमें लड़कियों के साथ होने वाली सेक्सुअल हेरेसमेंट की खबरों से दो चार होते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेम्बरशिप लेनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेंबरशिप ले लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी अपूर्वा मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपूर्वा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। बात करें दोस्तों अपूर्वा मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी हमें डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी हमें डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस मूवी का प्रीमियर हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों निखिल भट्ट, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.2 की रेटिंग दी गई है, एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, धैर्या करवा, राजपाल यादव आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। ये मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाकर एक बार तो इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बंजर और बियाबान इलाके से, जहां दूर दूर तक आदमजात का पता नहीं। रास्ते में चार बेरहम और राक्षस सरीखे गुंडे एक बस को लूट कर रक्तपात कर देते हैं और अपने साथ अपूर्वा तारा सुतारिया को बंधक बना लेते हैं। ये चारों गुंडे जुगनू राजपाल यादव, सुक्का अभिषेक बनर्जी, बल्ली सुमित गुलाटी और छोटे आदित्य गुप्ता ऐसे हद तक हिंसक है कि पलक झपकते ही वे किसी का भेजा उड़ा सकते हैं, उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं होती। असल में तेज तरार अपूर्वा अपनी गाड़ी को आगे ले जाने की जिद में इन गुंडों के गुस्से को निमंत्रण दे बैठती है। अपूर्वा की एक बेक स्टोरी भी है, ये जिंदा दिल बहादुर और खूबसूरत लड़की अपने मंगेतर धैर्य करवा की वर्क सिटी में जाकर उसे उसके जन्मदिन पर सरप्राइज करना चाहती है, मगर तभी उसे अगवा कर दिया जाता है। अभी ये चारों गुंडे अपूर्वा का बलात्कार करके उसे मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी उसे सुनसान इलाके में पंडित राकेश चतुर्वेदी रास्ता खोजते हुए आ धमकता है। गुंडे उसे भी अपूर्वा के साथ बंधक बना लेते हैं। छोटे की थप्पड़ से बेहोश हुई अपूर्वा को होश आता है और वो पंडित के साथ भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। बस उसके बाद शुरू होता है खूनी खेल, जिसमें सबसे पहले पंडित मारा जाता है। डरी सेम जी और नाजुक अपूर्वा को गुंडे कमतर आंकते हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि ये सीधी सादी लड़की अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए रणचंडिका बन सकती है। मगर क्या अपूर्वा इन दानवों से बच पाती है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी।
दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो लेखक निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की फिल्म की खूबी है इसका बांधे रखने वाला पेस। फिल्म थ्रिलर जोनर की है और नागेश इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि फिल्म खींचने न पाए। इस हिसाब से फिल्म का रन टाइम 1 घंटा 36 मिनट का है और वो परफेक्ट रहता है। दूसरी खूबी यह है कि डरी सहमी हुई नाजुक लड़की का अपने बल नहीं बल्कि बुद्धि के सारे हार ने मानने का जज्बा। आए दिन हमें लड़कियों के साथ होने वाली सेक्सुअल हेरेसमेंट की खबरों से दो चार होते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेम्बरशिप लेनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेंबरशिप ले लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अपूर्वा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपूर्वा मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। बात करें दोस्तों अपूर्वा मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी हमें डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। जी हाँ दोस्तों ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस मूवी का प्रीमियर हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों निखिल भट्ट, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.2 की रेटिंग दी गई है, एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, धैर्या करवा, राजपाल यादव आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। ये मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बंजर और बियाबान इलाके से, जहां दूर दूर तक आदमजात का पता नहीं। रास्ते में चार बेरहम और राक्षस सरीखे गुंडे एक बस को लूट कर रक्तपात कर देते हैं और अपने साथ अपूर्वा तारा सुतारिया को बंधक बना लेते हैं। ये चारों गुंडे
जुगनू राजपाल यादव, सुक्का अभिषेक बनर्जी, बल्ली सुमित गुलाटी और छोटे आदित्य गुप्ता इस हद तक हिंसक है कि पलक झपकते ही वे किसी का भेजा उड़ा सकते हैं। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं होती। असल में तेज तरार अपूर्वा अपनी गाड़ी को आगे ले जाने की जिद में इन गुंडों के गुस्से को निमंत्रण दे बैठती है। अपूर्वा की एक बेक स्टोरी भी है। ये जिंदा दिल बहादुर और खूबसूरत लड़की अपने मंगेतर धैर्य करवा की वर्क सिटी में जाकर उसे उसके जन्मदिन पर सरप्राइज करना चाहती है, मगर तभी उसे अगवा कर दिया जाता है। अभी ये चारों गुंडे अपूर्वा का बलात्कार करके उसे मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी उसे सुनसान इलाके में पंडित राकेश चतुर्वेदी रास्ता खोजते हुए आ धमकता है। गुंडे उसे भी अपूर्वा के साथ बंधक बना लेते हैं। छोटे की थप्पड़ से बेहोश हुई अपूर्वा को होश आता है और वो पंडित के साथ भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। बस उसके बाद शुरू होता है खूनी खेल, जिसमें सबसे पहले पंडित मारा जाता है। डरी सेम जी और नाजुक अपूर्वा को गुंडे कमतर आंकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि ये सीधी सादी लड़की अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए रणचंडिका बन सकती है। मगर क्या अपूर्वा इन दानवों से बच पाती है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो लेखक निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की फिल्म की खूबी है इसका बांधे रखने वाला पेस। फिल्म थ्रिलर जोनर की है और नागेश इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि फिल्म खींचने न पाए। इस हिसाब से फिल्म का रन टाइम 1 घंटा 36 मिनट का है और वो परफेक्ट रहता है। दूसरी खूबी यह है कि डरी सहमी हुई नाजुक लड़की का अपने बल नहीं बल्कि बुद्धि के सारे हार ने मानने का जज्बा। आए दिन हमें लड़कियों के साथ होने वाली सेक्सुअल हेरेसमेंट की खबरों से दो चार होते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेम्बरशिप लेनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे। अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेंबरशिप ले लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अपूर्वा मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपूर्वा मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। बात करें दोस्तों अपूर्वा मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी हमें डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। जी हाँ दोस्तों ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस मूवी का प्रीमियर हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट
किया तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों निखिल भट्ट, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 6.2 की रेटिंग दी गई है एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, धैर्या करवा, राजपाल यादव आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। ये मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस और स्टार पे जाकर एक बार तो इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बंजर और बियाबान इलाके से, जहां दूर दूर तक आदमजात का पता नहीं। रास्ते में चार बेरहम और राक्षस सरीखे गुंडे एक बस को लूट कर रक्तपात कर देते हैं और अपने साथ अपूर्वा तारा सुतारिया को बंधक बना लेते हैं। ये चारों गुंडे जुगनू राजपाल यादव, सुक्का अभिषेक बनर्जी, बल्ली सुमित गुलाटी और छोटे आदित्य गुप्ता ऐसे हद तक हिंसक है कि पलक झपकते ही वे किसी का भेजा उड़ा सकते हैं। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं होती। असल में तेज तरार अपूर्वा अपनी गाड़ी को आगे ले जाने की जिद में इन गुंडों के गुस्से को निमंत्रण दे बैठती है। अपूर्वा की एक बेक स्टोरी भी है। ये जिंदा दिल बहादुर और खूबसूरत लड़की अपने मंगेतर धैर्य करवा की वर्क सिटी में जाकर उसे उसके जन्मदिन पर सरप्राइज करना चाहती है, मगर तभी उसे अगवा कर दिया जाता है। अभी ये चारों गुंडे अपूर्वा का बलात्कार करके उसे मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी उसे सुनसान इलाके में पंडित राकेश चतुर्वेदी रास्ता खोजते हुए आ धमकता है। गुंडे उसे भी अपूर्वा के साथ बंधक बना लेते हैं। छोटे की थप्पड़ से बेहोश हुई अपूर्वा को होश आता है और वो पंडित के साथ भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। बस उसके बाद शुरू होता है खूनी खेल, जिसमें सबसे पहले पंडित मारा जाता है। डरी सेम जी और नाजुक अपूर्वा को गुंडे कमतर आंकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि ये सीधी सादी लड़की अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए रणचंडिका बन सकती है। मगर क्या अपूर्वा इन दानवों से बच पाती है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो लेखक निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की फिल्म की खूबी है इसका बांधे रखने वाला पेस। फिल्म थ्रिलर जोनर की है और नागेश इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि फिल्म खींचने न पाए। इस हिसाब से फिल्म का रन टाइम 1 घंटा 36 मिनट का है और वो परफेक्ट रहता है। दूसरी खूबी यह है कि डरी सहमी हुई नाजुक लड़की का अपने बल नहीं बल्कि बुद्धि के सारे हार ने मानने का जज्बा। आए दिन हमें लड़कियों के साथ होने वाली सेक्सुअल हेरेसमेंट की खबरों से दो चार होते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेम्बरशिप लेनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेंबरशिप ले लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी अपूर्वा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपूर्वा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। बात करें दोस्तों अपूर्वा मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी हमें डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस मूवी का प्रीमियर हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों निखिल भट्ट, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.2 की रेटिंग दी गई है, एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, धैर्या करवा, राजपाल यादव आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी है। ये मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाकर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बंजर और बियाबान इलाके से, जहां दूर दूर तक आदमजात का पता नहीं। रास्ते में चार बेरहम और राक्षस सरीके गुंडे एक बस को लूट कर रक्तपात कर देते हैं और अपने साथ अपूर्वा तारा सुतारिया को बंधक बना लेते हैं। ये चारों गुंडे जुगनू राजपाल यादव, सुक्का अभिषेक बनर्जी, बल्ली सुमित गुलाटी और छोटे आदित्य गुप्ता ऐसे हद तक हिंसक है कि पलक झपकते ही वे किसी का भेजा उड़ा सकते हैं। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं होती। असल में तेज तरार अपूर्वा अपनी गाड़ी को आगे ले जाने की जिद में इन गुंडों के गुस्से को निमंत्रण दे बैठती है। अपूर्वा की एक बेक स्टोरी भी है, ये जिंदा दिल बहादुर और खूबसूरत लड़की अपने मंगेतर धैर्य करवा की वर्क सिटी में जाकर उसे उसके जन्मदिन पर सरप्राइज करना चाहती है, मगर तभी उसे अगवा कर दिया जाता है। अभी ये चारों गुंडे अपूर्वा का बलात्कार करके उसे मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी उसे सुनसान इलाके में पंडित राकेश चतुर्वेदी रास्ता खोजते हुए आ धमकता है। गुंडे उसे भी अपूर्वा के साथ बंधक बना लेते हैं। छोटे की थप्पड़ से बेहोश हुई अपूर्वा को होश आता है और वो पंडित के साथ भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। बस उसके बाद शुरू होता है खूनी खेल, जिसमें सबसे पहले पंडित मारा जाता है। डरी सेम जी और नाजुक अपूर्वा को गुंडे कमतर आंकते हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि ये सीधी सादी लड़की अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए रणचंडिका बन सकती है। मगर क्या अपूर्वा इन दानवों से बच पाती है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी।
दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो लेखक निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की फिल्म की खूबी है इसका बांधे रखने वाला पेस। फिल्म थ्रिलर जोनर की है और नागेश इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि फिल्म खींचने न पाए। इस हिसाब से फिल्म का रन टाइम 1 घंटा 36 मिनट का है और वो परफेक्ट रहता है। दूसरी खूबी यह है कि डरी सहमी हुई नाजुक लड़की का अपने बल नहीं बल्कि बुद्धि के सारे हार ने मानने का जज्बा। आए दिन हमें लड़कियों के साथ होने वाली सेक्सुअल हेरेसमेंट की खबरों से दो चार होते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेम्बरशिप लेनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेंबरशिप ले लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अपूर्वा मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपूर्वा मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। बात करें दोस्तों अपूर्वा मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी हमें डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। जी हाँ दोस्तों ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस मूवी का प्रीमियर हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों निखिल भट्ट, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.2 की रेटिंग दी गई है, एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, देरिया करवा, राजपाल यादव आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। ये मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाकर एक बार तो इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बंजर और बियाबान इलाके से, जहां दूर दूर तक आदमजात का पता नहीं। रास्ते में चार बेरहम और राक्षस सरीके गुंडे एक बस को लूट कर रक्तपात कर देते हैं और अपने साथ अपूर्वा तारा सुतारिया को बंधक बना लेते हैं। ये चारों गुंडे
जुगनू राजपाल यादव, सुक्का अभिषेक बनर्जी, बल्ली सुमित गुलाटी और छोटे आदित्य गुप्ता इस हद तक हिंसक है कि पलक झपकते ही वे किसी का भेजा उड़ा सकते हैं। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं होती। असल में तेज तरार अपूर्वा अपनी गाड़ी को आगे ले जाने की जिद में इन गुंडों के गुस्से को निमंत्रण दे बैठती है। अपूर्वा की एक बेक स्टोरी भी है। ये जिंदा दिल बहादुर और खूबसूरत लड़की अपने मंगेतर धैर्य करवा की वर्क सिटी में जाकर उसे उसके जन्मदिन पर सरप्राइज करना चाहती है, मगर तभी उसे अगवा कर दिया जाता है। अभी ये चारों गुंडे अपूर्वा का बलात्कार करके उसे मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी उसे सुनसान इलाके में पंडित राकेश चतुर्वेदी रास्ता खोजते हुए आ धमकता है। गुंडे उसे भी अपूर्वा के साथ बंधक बना लेते हैं। छोटे की थप्पड़ से बेहोश हुई अपूर्वा को होश आता है और वो पंडित के साथ भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। बस उसके बाद शुरू होता है खूनी खेल, जिसमें सबसे पहले पंडित मारा जाता है। डरी सेम जी और नाजुक अपूर्वा को गुंडे कमतर आंकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि ये सीधी सादी लड़की अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए रणचंडिका बन सकती है। मगर क्या अपूर्वा इन दानवों से बच पाती है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो लेखक निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की फिल्म की खूबी है इसका बांधे रखने वाला पेस। फिल्म थ्रिलर जोनर की है और नागेश इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि फिल्म खींचने न पाए। इस हिसाब से फिल्म का रन टाइम 1 घंटा 36 मिनट का है और वो परफेक्ट रहता है। दूसरी खूबी यह है कि डरी सेमी हुई नाजुक लड़की का अपने बल नहीं बल्कि बुद्धि के सारे हार ने मानने का जज्बा। आए दिन हमें लड़कियों के साथ होने वाली सेक्सुअल हेरेसमेंट की खबरों से दो चार होते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेम्बरशिप लेनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे। अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेंबरशिप ले लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अपूर्वा मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपूर्वा मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। बात करें दोस्तों अपूर्वा मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी हमें डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस मूवी का प्रीमियर हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया
किया तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों निखिल भट्ट, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 6.2 की रेटिंग दी गई है, एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, धैर्या करवा, राजपाल यादव आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। ये मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बंजर और बियाबान इलाके से, जहां दूर दूर तक आदमजात का पता नहीं। रास्ते में चार बेरहम और राक्षस सरीके गुंडे एक बस को लूट कर रक्तपात कर देते हैं और अपने साथ अपूर्वा तारा सुतारिया को बंधक बना लेते हैं। ये चारों गुंडे जुगनू राजपाल यादव, सुक्का अभिषेक बनर्जी, बल्ली सुमित गुलाटी और छोटे आदित्य गुप्ता ऐसे हद तक हिंसक है कि पलक झपकते ही वे किसी का भेजा उड़ा सकते हैं। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं होती। असल में तेज तरार अपूर्वा अपनी गाड़ी को आगे ले जाने की जिद में इन गुंडों के गुस्से को निमंत्रण दे बैठती है। अपूर्वा की एक बेक स्टोरी भी है। ये जिंदा दिल बहादुर और खूबसूरत लड़की अपने मंगेतर धैर्य करवा की वर्क सिटी में जाकर उसे उसके जन्मदिन पर सरप्राइज करना चाहती है, मगर तभी उसे अगवा कर दिया जाता है। अभी ये चारों गुंडे अपूर्वा का बलात्कार करके उसे मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी उसे सुनसान इलाके में पंडित राकेश चतुर्वेदी रास्ता खोजते हुए आ धमकता है। गुंडे उसे भी अपूर्वा के साथ बंधक बना लेते हैं। छोटे की थप्पड़ से बेहोश हुई अपूर्वा को होश आता है और वो पंडित के साथ भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। बस उसके बाद शुरू होता है खूनी खेल, जिसमें सबसे पहले पंडित मारा जाता है। डरी सेम जी और नाजुक अपूर्वा को गुंडे कमतर आंकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि ये सीधी सादी लड़की अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए रणचंडिका बन सकती है। मगर क्या अपूर्वा इन दानवों से बच पाती है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो लेखक निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की फिल्म की खूबी है इसका बांधे रखने वाला पेश। फिल्म थ्रिलर जोनर की है और नागेश इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि फिल्म खींचने न पाए। इस हिसाब से फिल्म का रन टाइम 1 घंटा 36 मिनट का है और वो परफेक्ट रहता है। दूसरी खूबी यह है कि डरी सहमी हुई नाजुक लड़की का अपने बल नहीं बल्कि बुद्धि के सारे हार ने मानने का जज्बा। आए दिन हमें लड़कियों के साथ होने वाली सेक्सुअल हेरेसमेंट की खबरों से दो चार होते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेम्बरशिप लेनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेंबरशिप ले लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी अपूर्वा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपूर्वा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। बात करें दोस्तों अपूर्वा मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी हमें डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी हमें Disney+ Hotstar पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर Disney+ Hotstar पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी Disney+ Hotstar पर देखने के लिए आपको Disney+ Hotstar का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए Disney+ Hotstar का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस मूवी का प्रीमियर हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया है Disney+ Hotstar पे, तो आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों निखिल भट्ट, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 6.2 की रेटिंग दी गई है, एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, Disney+ Hotstar पर जाके एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, धैर्या करवा, राजपाल यादव आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। ये मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को Disney+ Hotstar पे जाकर एक बार तो इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हिंदी भाषा में Disney+ Hotstar पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पे जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बंजर और बियाबान इलाके से, जहां दूर दूर तक आदमजात का पता नहीं। रास्ते में चार बेरहम और राक्षस सरीके गुंडे एक बस को लूट कर रक्तपात कर देते हैं और अपने साथ अपूर्वा तारा सुतारिया को बंधक बना लेते हैं। ये चारों गुंडे जुगनू राजपाल यादव, सुक्का अभिषेक बनर्जी, बल्ली सुमित गुलाटी और छोटे आदित्य गुप्ता ऐसे हद तक हिंसक है कि पलक झपकते ही वे किसी का भेजा उड़ा सकते हैं। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं होती। असल में तेज तरार अपूर्वा अपनी गाड़ी को आगे ले जाने की जिद में इन गुंडों के गुस्से को निमंत्रण दे बैठती है। अपूर्वा की एक बैक स्टोरी भी है। ये जिंदा दिल बहादुर और खूबसूरत लड़की अपने मंगेतर धैर्य करवा की वर्क सिटी में जाकर उसे उसके जन्मदिन पर सरप्राइज करना चाहती है, मगर तभी उसे अगवा कर दिया जाता है। अभी ये चारों गुंडे अपूर्वा का बलात्कार करके उसे मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी उसे सुनसान इलाके में पंडित राकेश चतुर्वेदी रास्ता खोजते हुए आ धमकता है। गुंडे उसे भी अपूर्वा के साथ बंधक बना लेते हैं। छोटे की थप्पड़ से बेहोश हुई अपूर्वा को होश आता है और वो पंडित के साथ भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। बस उसके बाद शुरू होता है खूनी खेल, जिसमें सबसे पहले पंडित मारा जाता है। डरी सेम जी और नाजुक अपूर्वा को गुंडे कमतर आंकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि ये सीधी सादी लड़की अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए रणचंडिका बन सकती है, मगर क्या अपूर्वा इन दानवों से बच पाती है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी।
दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो लेखक निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की फिल्म की खूबी है इसका बांधे रखने वाला पेस। फिल्म थ्रिलर जोनर की है और नागेश इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि फिल्म खींचने न पाए। इस हिसाब से फिल्म का रन टाइम 1 घंटा 36 मिनट का है और वो परफेक्ट रहता है। दूसरी खूबी यह है कि डरी सहमी हुई नाजुक लड़की का अपने बल नहीं बल्कि बुद्धि के सारे हार ने मानने का जज्बा। आए दिन हमें लड़कियों के साथ होने वाली सेक्सुअल हेरेसमेंट की खबरों से दो चार होते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेम्बरशिप लेनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे। अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेंबरशिप ले लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अपूर्वा मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपूर्वा मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। बात करें दोस्तों अपूर्वा मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी हमें डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। जी हाँ दोस्तों ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस मूवी का प्रीमियर हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों निखिल भट्ट, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.2 की रेटिंग दी गई है एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, धैर्या करवा, राजपाल यादव आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। ये मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाकर एक बार तो इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बंजर और बियाबान इलाके से, जहां दूर दूर तक आदमजात का पता नहीं। रास्ते में चार बेरहम और राक्षस सरीखे गुंडे एक बस को लूट कर रक्तपात कर देते हैं और अपने साथ अपूर्वा तारा सुतारिया को बंधक बना लेते हैं। ये चारों गुंडे जुगनू राजपाल यादव, सुक्का अभिषेक बनर्जी, बल्ली सुमित गुलाटी और छोटे आदित्य गुप्ता
इस हद तक हिंसक है कि पलक झपकते ही वे किसी का भेजा उड़ा सकते हैं, उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं होती। असल में तेज तरार अपूर्वा अपनी गाड़ी को आगे ले जाने की जिद में इन गुंडों के गुस्से को निमंत्रण दे बैठती है। अपूर्वा की एक बेक स्टोरी भी है। ये जिंदा दिल बहादुर और खूबसूरत लड़की अपने मंगेतर धैर्य करवा की वर्क सिटी में जाकर उसे उसके जन्मदिन पर सरप्राइज करना चाहती है, मगर तभी उसे अगवा कर दिया जाता है। अभी ये चारों गुंडे अपूर्वा का बलात्कार करके उसे मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी उसे सुनसान इलाके में पंडित राकेश चतुर्वेदी रास्ता खोजते हुए आ धमकता है। गुंडे उसे भी अपूर्वा के साथ बंधक बना लेते हैं। छोटे की थप्पड़ से बेहोश हुई अपूर्वा को होश आता है और वो पंडित के साथ भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। बस उसके बाद शुरू होता है खूनी खेल, जिसमें सबसे पहले पंडित मारा जाता है। डरी सेम जी और नाजुक अपूर्वा को गुंडे कमतर आंकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि ये सीधी सादी लड़की अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए रणचंडिका बन सकती है। मगर क्या अपूर्वा इन दानवों से बच पाती है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो लेखक निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की फिल्म की खूबी है इसका बांधे रखने वाला पेस। फिल्म थ्रिलर जोनर की है और नागेश इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि फिल्म खींचने न पाए। इस हिसाब से फिल्म का रन टाइम 1 घंटा 36 मिनट का है और वो परफेक्ट रहता है। दूसरी खूबी यह है कि डरी सहमी हुई नाजुक लड़की का अपने बल नहीं बल्कि बुद्धि के सारे हार ने मानने का जज्बा। आए दिन हमें लड़कियों के साथ होने वाली सेक्सुअल हेरेसमेंट की खबरों से दो चार होते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेम्बरशिप लेनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेंबरशिप ले लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अपूर्वा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपूर्वा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। बात करें दोस्तों अपूर्वा मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी हमें डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। जी हाँ दोस्तों ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस मूवी का प्रीमियर हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों निखिल भट्ट, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.2 की रेटिंग दी गई है, एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है।
तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, धैर्या करवा, राजपाल यादव आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। ये मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाकर एक बार तो इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बंजर और बियाबान इलाके से, जहां दूर दूर तक आदमजात का पता नहीं। रास्ते में चार बेरहम और राक्षस सरीके गुंडे एक बस को लूट कर रक्तपात कर देते हैं और अपने साथ अपूर्वा तारा सुतारिया को बंधक बना लेते हैं। ये चारों गुंडे जुगनू राजपाल यादव, सुक्का अभिषेक बनर्जी, बल्ली सुमित गुलाटी और छोटे आदित्य गुप्ता इस हद तक हिंसक है कि पलक झपकते ही वे किसी का भेजा उड़ा सकते हैं। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं होती। असल में तेज तरार अपूर्वा अपनी गाड़ी को आगे ले जाने की जिद में इन गुंडों के गुस्से को निमंत्रण दे बैठती है। अपूर्वा की एक बेक स्टोरी भी है। ये जिंदा दिल बहादुर और खूबसूरत लड़की अपने मंगेतर धैर्य करवा की वर्क सिटी में जाकर उसे उसके जन्मदिन पर सरप्राइज करना चाहती है, मगर तभी उसे अगवा कर दिया जाता है। अभी ये चारों गुंडे अपूर्वा का बलात्कार करके उसे मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी उसे सुनसान इलाके में पंडित राकेश चतुर्वेदी रास्ता खोजते हुए आ धमकता है। गुंडे उसे भी अपूर्वा के साथ बंधक बना लेते हैं। छोटे की थप्पड़ से बेहोश हुई अपूर्वा को होश आता है और वो पंडित के साथ भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। बस उसके बाद शुरू होता है खूनी खेल, जिसमें सबसे पहले पंडित मारा जाता है। डरी सेम जी और नाजुक अपूर्वा को गुंडे कमतर आंकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि ये सीधी सादी लड़की अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए रणचंडिका बन सकती है। मगर क्या अपूर्वा इन दानवों से बच पाती है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो लेखक निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की फिल्म की खूबी है इसका बांधे रखने वाला पेस। फिल्म थ्रिलर जोनर की है और नागेश इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि फिल्म खींचने न पाए। इस हिसाब से फिल्म का रन टाइम 1 घंटा 36 मिनट का है और वो परफेक्ट रहता है। दूसरी खूबी यह है कि डरी सहमी हुई नाजुक लड़की का अपने बल नहीं बल्कि बुद्धि के सारे हार ने मानने का जज्बा। आए दिन हमें लड़कियों के साथ होने वाली सेक्सुअल हेरेसमेंट की खबरों से दो चार होते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेम्बरशिप लेनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेंबरशिप ले लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अपूर्वा मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपूर्वा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है,
कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। बात करें दोस्तों अपूर्वा मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी हमें डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस मूवी का प्रीमियर हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों निखिल भट्ट, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.2 की रेटिंग दी गई है, एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, देरिया करवा, राजपाल यादव आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी है। ये मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाकर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बंजर और बियाबान इलाके से, जहां दूर दूर तक आदमजात का पता नहीं। रास्ते में चार बेरहम और राक्षस सरीके गुंडे एक बस को लूट कर रक्तपात कर देते हैं और अपने साथ अपूर्वा तारा सुतारिया को बंधक बना लेते हैं। ये चारों गुंडे जुगनू राजपाल यादव, सुक्का अभिषेक बनर्जी, बल्ली सुमित गुलाटी और छोटे आदित्य गुप्ता ऐसे हद तक हिंसक है कि पलक झपकते ही वे किसी का भेजा उड़ा सकते हैं। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं होती। असल में तेज तरार अपूर्वा अपनी गाड़ी को आगे ले जाने की जिद में इन गुंडों के गुस्से को निमंत्रण दे बैठती है। अपूर्वा की एक बेक स्टोरी भी है। ये जिंदा दिल बहादुर और खूबसूरत लड़की अपने मंगेतर धैर्य करवा की वर्क सिटी में जाकर उसे उसके जन्मदिन पर सरप्राइज करना चाहती है, मगर तभी उसे अगवा कर दिया जाता है। अभी ये चारों गुंडे अपूर्वा का बलात्कार करके उसे मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी उसे सुनसान इलाके में पंडित राकेश चतुर्वेदी रास्ता खोजते हुए आ धमकता है। गुंडे उसे भी अपूर्वा के साथ बंधक बना लेते हैं। छोटे की थप्पड़ से बेहोश हुई अपूर्वा को होश आता है और वो पंडित के साथ भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। बस उसके बाद शुरू होता है खूनी खेल, जिसमें सबसे पहले पंडित मारा जाता है। डरी सेम जी और नाजुक अपूर्वा को गुंडे कमतर आंकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि ये सीधी सादी लड़की अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए रणचंडिका बन सकती है। मगर क्या अपूर्वा इन दानवों से बच पाती है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो लेखक निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की फिल्म की खूबी है इसका बांधे रखने वाला पेस। फिल्म थ्रिलर जोनर की है और नागेश इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि फिल्म खींचने न पाए
इस हिसाब से फिल्म का रन टाइम 1 घंटा 36 मिनट का है और वो परफेक्ट रहता है। दूसरी खूबी यह है कि डरी सहमी हुई नाजुक लड़की का अपने बल नहीं बल्कि बुद्धि के सारे हार ने मानने का जज्बा। आए दिन हमें लड़कियों के साथ होने वाली सेक्सुअल हेरेसमेंट की खबरों से दो चार होते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेम्बरशिप लेनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेंबरशिप ले लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अपूर्वा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपूर्वा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। बात करें दोस्तों अपूर्वा मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी हमें डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। जी हाँ दोस्तों ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस मूवी का प्रीमियर हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों निखिल भट्ट, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.2 की रेटिंग दी गई है, एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, धैर्या करवा, राजपाल यादव आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। ये मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाकर एक बार तो इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बंजर और बियाबान इलाके से, जहां दूर दूर तक आदमजात का पता नहीं। रास्ते में चार बेरहम और राक्षस सरीके गुंडे एक बस को लूट कर रक्तपात कर देते हैं और अपने साथ अपूर्वा तारा सुतारिया को बंधक बना लेते हैं। ये चारों गुंडे जुगनू राजपाल यादव, सुक्का अभिषेक बनर्जी, बल्ली सुमित गुलाटी और छोटे आदित्य गुप्ता इस हद तक हिंसक है कि पलक झपकते ही वे किसी का भेजा उड़ा सकते हैं, उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं होती। असल में तेज तरार अपूर्वा अपनी गाड़ी को आगे ले जाने की जिद में इन गुंडों के गुस्से को निमंत्रण दे बैठती है। अपूर्वा की एक बेक स्टोरी भी है, ये जिंदा दिल बहादुर और खूबसूरत लड़की अपने मंगेतर धैर्य करवा की वर्क सिटी में जाकर उसे उसके जन्मदिन पर सरप्राइज करना चाहती है,
मगर तभी उसे अगवा कर दिया जाता है। अभी ये चारों गुंडे अपूर्वा का बलात्कार करके उसे मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी उसे सुनसान इलाके में पंडित राकेश चतुर्वेदी रास्ता खोजते हुए आ धमकता है। गुंडे उसे भी अपूर्वा के साथ बंधक बना लेते हैं। छोटे की थप्पड़ से बेहोश हुई अपूर्वा को होश आता है और वो पंडित के साथ भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। बस उसके बाद शुरू होता है खूनी खेल, जिसमें सबसे पहले पंडित मारा जाता है। डरी सेम जी और नाजुक अपूर्वा को गुंडे कमतर आंकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि ये सीधी सादी लड़की अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए रणचंडिका बन सकती है। मगर क्या अपूर्वा इन दानवों से बच पाती है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो लेखक निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की फिल्म की खूबी है इसका बांधे रखने वाला पेस। फिल्म थ्रिलर जोनर की है और नागेश इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि फिल्म खींचने न पाए। इस हिसाब से फिल्म का रन टाइम 1 घंटा 36 मिनट का है और वो परफेक्ट रहता है। दूसरी खूबी यह है कि डरी सहमी हुई नाजुक लड़की का अपने बल नहीं बल्कि बुद्धि के सारे हार ने मानने का जज्बा। आए दिन हमें लड़कियों के साथ होने वाली सेक्सुअल हेरेसमेंट की खबरों से दो चार होते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेम्बरशिप लेनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे। अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेंबरशिप ले लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अपूर्वा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपूर्वा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। बात करें दोस्तों अपूर्वा मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी हमें डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस मूवी का प्रीमियर हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों निखिल भट्ट, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.2 की रेटिंग दी गई है एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, धैर्या करवा, राजपाल यादव आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है।
एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। ये मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस और स्टार पर जाकर एक बार तो इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बंजर और बियाबान इलाके से, जहाँ दूर दूर तक आदमजात का पता नहीं। रास्ते में चार बेरहम और राक्षस सरीके गुंडे एक बस को लूट कर रक्तपात कर देते हैं और अपने साथ अपूर्वा तारा सुतारिया को बंधक बना लेते हैं। ये चारों गुंडे जुगनू राजपाल यादव, सुक्का अभिषेक बनर्जी, बल्ली सुमित गुलाटी और छोटे आदित्य गुप्ता इस हद तक हिंसक है कि पलक झपकते ही वे किसी का भेजा उड़ा सकते हैं। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं होती। असल में तेज तरार अपूर्वा अपनी गाड़ी को आगे ले जाने की जिद में इन गुंडों के गुस्से को निमंत्रण दे बैठती है। अपूर्वा की एक बेक स्टोरी भी है। ये जिंदा दिल बहादुर और खूबसूरत लड़की अपने मंगेतर धैर्य करवा की वर्क सिटी में जाकर उसे उसके जन्मदिन पर सरप्राइज करना चाहती है, मगर तभी उसे अगवा कर दिया जाता है। अभी ये चारों गुंडे अपूर्वा का बलात्कार करके उसे मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी उसे सुनसान इलाके में पंडित राकेश चतुर्वेदी रास्ता खोजते हुए आ धमकता है। गुंडे उसे भी अपूर्वा के साथ बंधक बना लेते हैं। छोटे की थप्पड़ से बेहोश हुई अपूर्वा को होश आता है और वो पंडित के साथ भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। बस उसके बाद शुरू होता है खूनी खेल, जिसमें सबसे पहले पंडित मारा जाता है। डरी सेम जी और नाजुक अपूर्वा को गुंडे कमतर आंकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि ये सीधी सादी लड़की अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए रणचंडिका बन सकती है। मगर क्या अपूर्वा इन दानवों से बच पाती है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो लेखक निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की फिल्म की खूबी है इसका बांधे रखने वाला पेस। फिल्म थ्रिलर जोनर की है और नागेश इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि फिल्म खींचने न पाए। इस हिसाब से फिल्म का रन टाइम 1 घंटा 36 मिनट का है और वो परफेक्ट रहता है। दूसरी खूबी यह है कि डरी सहमी हुई नाजुक लड़की का अपने बल नहीं बल्कि बुद्धि के सारे हार ने मानने का जज्बा। आए दिन हमें लड़कियों के साथ होने वाली सेक्सुअल हेरेसमेंट की खबरों से दो चार होते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार की मेम्बरशिप लेनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉट स्टार की मेंबरशिप ले लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अपूर्वा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपूर्वा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।
और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। बात करें दोस्तों अपूर्वा मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी हमें डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस मूवी का प्रीमियर हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों निखिल भट्ट, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.2 की रेटिंग दी गई है, एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, धैर्या करवा, राजपाल यादव आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी है। ये मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाकर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बंजर और बियाबान इलाके से, जहां दूर दूर तक आदमजात का पता नहीं। रास्ते में चार बेरहम और राक्षस सरीखे गुंडे एक बस को लूट कर रक्तपात कर देते हैं और अपने साथ अपूर्वा तारा सुतारिया को बंधक बना लेते हैं। ये चारों गुंडे जुगनू राजपाल यादव, सुक्का अभिषेक बनर्जी, बल्ली सुमित गुलाटी और छोटे आदित्य गुप्ता ऐसे हद तक हिंसक है कि पलक झपकते ही वे किसी का भेजा उड़ा सकते हैं। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं होती। असल में तेज तरार अपूर्वा अपनी गाड़ी को आगे ले जाने की जिद में इन गुंडों के गुस्से को निमंत्रण दे बैठती है। अपूर्वा की एक बेक स्टोरी भी है। ये जिंदा दिल बहादुर और खूबसूरत लड़की अपने मंगेतर धैर्या करवा की वर्क सिटी में जाकर उसे उसके जन्मदिन पर सरप्राइज करना चाहती है, मगर तभी उसे अगवा कर दिया जाता है। अभी ये चारों गुंडे अपूर्वा का बलात्कार करके उसे मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी उसे सुनसान इलाके में पंडित राकेश चतुर्वेदी रास्ता खोजते हुए आ धमकता है। गुंडे उसे भी अपूर्वा के साथ बंधक बना लेते हैं। छोटे की थप्पड़ से बेहोश हुई अपूर्वा को होश आता है और वो पंडित के साथ भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। बस उसके बाद शुरू होता है खूनी खेल, जिसमें सबसे पहले पंडित मारा जाता है। डरी सेम जी और नाजुक अपूर्वा को गुंडे कमतर आंकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि ये सीधी सादी लड़की अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए रणचंडिका बन सकती है। मगर क्या अपूर्वा इन दानवों से बच पाती है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो लेखक निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की फिल्म की खूबी है
इसका बांधे रखने वाला पेश है। फिल्म थ्रिलर जोनर की है और नागेश इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि फिल्म खींचने न पाए। इस हिसाब से फिल्म का रन टाइम 1 घंटा 36 मिनट का है और वो परफेक्ट रहता है। दूसरी खूबी यह है कि डरी सहमी हुई नाजुक लड़की का अपने बल नहीं बल्कि बुद्धि के सारे हार ने मानने का जज्बा। आए दिन हमें लड़कियों के साथ होने वाली सेक्सुअल हेरेसमेंट की खबरों से दो चार होते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेम्बरशिप लेनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेंबरशिप ले लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अपूर्वा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपूर्वा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। बात करें दोस्तों अपूर्वा मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी हमें डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। जी हाँ दोस्तों ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस मूवी का प्रीमियर हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों निखिल भट्ट, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.2 की रेटिंग दी गई है, एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, धैर्या करवा, राजपाल यादव आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। ये मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाकर एक बार तो इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बंजर और बियाबान इलाके से, जहां दूर दूर तक आदमजात का पता नहीं। रास्ते में चार बेरहम और राक्षस सरीके गुंडे एक बस को लूट कर रक्तपात कर देते हैं और अपने साथ अपूर्वा तारा सुतारिया को बंधक बना लेते हैं। ये चारों गुंडे जुगनू राजपाल यादव, सुक्का अभिषेक बनर्जी, बल्ली सुमित गुलाटी और छोटे आदित्य गुप्ता इस हद तक हिंसक है कि पलक झपकते ही वे किसी का भेजा उड़ा सकते हैं। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं होती। असल में तेज तरार अपूर्वा अपनी गाड़ी को आगे ले जाने की जिद में इन गुंडों के गुस्से को निमंत्रण दे बैठती है। अपूर्वा की एक बैक स्टोरी भी है
ये जिंदा दिल बहादुर और खूबसूरत लड़की अपने मंगेतर धैर्य करवा की वर्क सिटी में जाकर उसे उसके जन्मदिन पर सरप्राइज करना चाहती है, मगर तभी उसे अगवा कर दिया जाता है। अभी ये चारों गुंडे अपूर्वा का बलात्कार करके उसे मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी उसे सुनसान इलाके में पंडित राकेश चतुर्वेदी रास्ता खोजते हुए आ धमकता है। गुंडे उसे भी अपूर्वा के साथ बंधक बना लेते हैं। छोटे की थप्पड़ से बेहोश हुई अपूर्वा को होश आता है और वो पंडित के साथ भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। बस उसके बाद शुरू होता है खूनी खेल, जिसमें सबसे पहले पंडित मारा जाता है। डरी सेम जी और नाजुक अपूर्वा को गुंडे कमतर आंकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि ये सीधी सादी लड़की अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए रणचंडिका बन सकती है। मगर क्या अपूर्वा इन दानवों से बच पाती है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो लेखक निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की फिल्म की खूबी है इसका बांधे रखने वाला पेस। फिल्म थ्रिलर जोनर की है और नागेश इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि फिल्म खींचने न पाए। इस हिसाब से फिल्म का रन टाइम 1 घंटा 36 मिनट का है और वो परफेक्ट रहता है। दूसरी खूबी यह है कि डरी सेमी हुई नाजुक लड़की का अपने बल नहीं बल्कि बुद्धि के सारे हार ने मानने का जज्बा। आए दिन हमें लड़कियों के साथ होने वाली सेक्सुअल हेरेसमेंट की खबरों से दो चार होते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेम्बरशिप लेनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे। अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेंबरशिप ले लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अपूर्वा मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपूर्वा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। बात करें दोस्तों अपूर्वा मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी हमें डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। जी हाँ दोस्तों ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस मूवी का प्रीमियर हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों निखिल भट्ट, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.2 की रेटिंग दी गई है, एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, धैर्या करवा, राजपाल यादव आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं।
तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। ये मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस और स्टार पे जाकर एक बार तो इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस और स्टार पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस और स्टार पे जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बंजर और बियाबान इलाके से, जहां दूर दूर तक आदमजात का पता नहीं। रास्ते में चार बेरहम और राक्षस सरीखे गुंडे एक बस को लूट कर रक्तपात कर देते हैं और अपने साथ अपूर्वा तारा सुतारिया को बंधक बना लेते हैं। ये चारों गुंडे जुगनू राजपाल यादव, सुक्का अभिषेक बनर्जी, बल्ली सुमित गुलाटी और छोटे आदित्य गुप्ता ऐसे हद तक हिंसक है कि पलक झपकते ही वे किसी का भेजा उड़ा सकते हैं। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं होती। असल में तेज तरार अपूर्वा अपनी गाड़ी को आगे ले जाने की जिद में इन गुंडों के गुस्से को निमंत्रण दे बैठती है। अपूर्वा की एक बैक स्टोरी भी है। ये जिंदा दिल बहादुर और खूबसूरत लड़की अपने मंगेतर धैर्य करवा की वर्क सिटी में जाकर उसे उसके जन्मदिन पर सरप्राइज करना चाहती है, मगर तभी उसे अगवा कर दिया जाता है। अभी ये चारों गुंडे अपूर्वा का बलात्कार करके उसे मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी उसे सुनसान इलाके में पंडित राकेश चतुर्वेदी रास्ता खोजते हुए आ धमकता है। गुंडे उसे भी अपूर्वा के साथ बंधक बना लेते हैं। छोटे की थप्पड़ से बेहोश हुई अपूर्वा को होश आता है और वो पंडित के साथ भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। बस उसके बाद शुरू होता है खूनी खेल, जिसमें सबसे पहले पंडित मारा जाता है। डरी सेम जी और नाजुक अपूर्वा को गुंडे कमतर आंकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि ये सीधी सादी लड़की अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए रणचंडिका बन सकती है। मगर क्या अपूर्वा इन दानवों से बच पाती है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो लेखक निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की फिल्म की खूबी है इसका बांधे रखने वाला पेस। फिल्म थ्रिलर जोनर की है और नागेश इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि फिल्म खींचने न पाए। इस हिसाब से फिल्म का रन टाइम 1 घंटा 36 मिनट का है और वो परफेक्ट रहता है। दूसरी खूबी यह है कि डरी सहमी हुई नाजुक लड़की का अपने बल नहीं बल्कि बुद्धि के सारे हार ने मानने का जज्बा। आए दिन हमें लड़कियों के साथ होने वाली सेक्सुअल हेरेसमेंट की खबरों से दो चार होते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार की मेम्बरशिप लेनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे। अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेंबरशिप ले लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अपूर्वा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपूर्वा मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।
और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। बात करें दोस्तों अपूर्वा मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी हमें डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस मूवी का प्रीमियर हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों निखिल भट्ट, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.2 की रेटिंग दी गई है, एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, धैर्या करवा, राजपाल यादव आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। ये मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाकर एक बार तो इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बंजर और बियाबान इलाके से, जहां दूर दूर तक आदमजात का पता नहीं। रास्ते में चार बेरहम और राक्षस सरीखे गुंडे एक बस को लूट कर रक्तपात कर देते हैं और अपने साथ अपूर्वा तारा सुतारिया को बंधक बना लेते हैं। ये चारों गुंडे जुगनू राजपाल यादव, सुक्का अभिषेक बनर्जी, बल्ली सुमित गुलाटी और छोटे आदित्य गुप्ता ऐसे हद तक हिंसक है कि पलक झपकते ही वे किसी का भेजा उड़ा सकते हैं। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं होती। असल में तेज तरार अपूर्वा अपनी गाड़ी को आगे ले जाने की जिद में इन गुंडों के गुस्से को निमंत्रण दे बैठती है। अपूर्वा की एक बेक स्टोरी भी है। ये जिंदा दिल बहादुर और खूबसूरत लड़की अपने मंगेतर धैर्य करवा की वर्क सिटी में जाकर उसे उसके जन्मदिन पर सरप्राइज करना चाहती है, मगर तभी उसे अगवा कर दिया जाता है। अभी ये चारों गुंडे अपूर्वा का बलात्कार करके उसे मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी उसे सुनसान इलाके में पंडित राकेश चतुर्वेदी रास्ता खोजते हुए आ धमकता है। गुंडे उसे भी अपूर्वा के साथ बंधक बना लेते हैं। छोटे की थप्पड़ से बेहोश हुई अपूर्वा को होश आता है और वो पंडित के साथ भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। बस उसके बाद शुरू होता है खूनी खेल, जिसमें सबसे पहले पंडित मारा जाता है। डरी सेम जी और नाजुक अपूर्वा को गुंडे कमतर आंकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि ये सीधी सादी लड़की अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए रणचंडिका बन सकती है। मगर क्या अपूर्वा इन दानवों से बच पाती है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो लेखक निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की फिल्म की खूबी है इसका बांधे रखने वाला पेस। फिल्म थ्रिलर जोनर की है और नागेश इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि फिल्म खींचने न पाए
इस हिसाब से फिल्म का रन टाइम 1 घंटा 36 मिनट का है और वो परफेक्ट रहता है। दूसरी खूबी यह है कि डरी सहमी हुई नाजुक लड़की का अपने बल नहीं बल्कि बुद्धि के सारे हार ने मानने का जज्बा। आए दिन हमें लड़कियों के साथ होने वाली सेक्सुअल हेरेसमेंट की खबरों से दो चार होते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेम्बरशिप लेनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेंबरशिप ले लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अपूर्वा मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपूर्वा मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। बात करें दोस्तों अपूर्वा मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी हमें डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। जी हाँ दोस्तों ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस मूवी का प्रीमियर हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों निखिल भट्ट, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.2 की रेटिंग दी गई है, एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, धैर्या करवा, राजपाल यादव आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। ये मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाकर एक बार तो इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बंजर और बियाबान इलाके से, जहां दूर दूर तक आदमजात का पता नहीं। रास्ते में चार बेरहम और राक्षस सरीके गुंडे एक बस को लूट कर रक्तपात कर देते हैं और अपने साथ अपूर्वा तारा सुतारिया को बंधक बना लेते हैं। ये चारों गुंडे जुगनू राजपाल यादव, सुक्का अभिषेक बनर्जी, बल्ली सुमित गुलाटी और छोटे आदित्य गुप्ता इस हद तक हिंसक है कि पलक झपकते ही वे किसी का भेजा उड़ा सकते हैं। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं होती। असल में
तेज तरार अपूर्वा अपनी गाड़ी को आगे ले जाने की जिद में इन गुंडों के गुस्से को निमंत्रण दे बैठती है। अपूर्वा की एक बेक स्टोरी भी है। ये जिंदा दिल बहादुर और खूबसूरत लड़की अपने मंगेतर धैर्य करवा की वर्क सिटी में जाकर उसे उसके जन्मदिन पर सरप्राइज करना चाहती है, मगर तभी उसे अगवा कर दिया जाता है। अभी ये चारों गुंडे अपूर्वा का बलात्कार करके उसे मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी उसे सुनसान इलाके में पंडित राकेश चतुर्वेदी रास्ता खोजते हुए आ धमकता है। गुंडे उसे भी अपूर्वा के साथ बंधक बना लेते हैं। छोटे की थप्पड़ से बेहोश हुई अपूर्वा को होश आता है और वो पंडित के साथ भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। बस उसके बाद शुरू होता है खूनी खेल, जिसमें सबसे पहले पंडित मारा जाता है। डरी सेम जी और नाजुक अपूर्वा को गुंडे कमतर आंकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि ये सीधी सादी लड़की अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए रणचंडिका बन सकती है। मगर क्या अपूर्वा इन दानवों से बच पाती है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो लेखक निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की फिल्म की खूबी है इसका बांधे रखने वाला पेस। फिल्म थ्रिलर जोनर की है और नागेश इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि फिल्म खींचने न पाए। इस हिसाब से फिल्म का रन टाइम 1 घंटा 36 मिनट का है और वो परफेक्ट रहता है। दूसरी खूबी यह है कि डरी सेमी हुई नाजुक लड़की का अपने बल नहीं बल्कि बुद्धि के सारे हार ने मानने का जज्बा। आए दिन हमें लड़कियों के साथ होने वाली सेक्सुअल हेरेसमेंट की खबरों से दो चार होते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेम्बरशिप लेनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेंबरशिप ले लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अपूर्वा मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपूर्वा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। बात करें दोस्तों अपूर्वा मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी हमें डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। जी हाँ दोस्तों ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस मूवी का प्रीमियर हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों निखिल भट्ट, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.2 की रेटिंग दी गई है, एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है।
तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, धैर्या करवा, राजपाल यादव आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। ये मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाकर एक बार तो इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बंजर और बियाबान इलाके से, जहां दूर दूर तक आदमजात का पता नहीं। रास्ते में चार बेरहम और राक्षस सरीके गुंडे एक बस को लूट कर रक्तपात कर देते हैं और अपने साथ अपूर्वा तारा सुतारिया को बंधक बना लेते हैं। ये चारों गुंडे जुगनू राजपाल यादव, सुक्का अभिषेक बनर्जी, बल्ली सुमित गुलाटी और छोटे आदित्य गुप्ता इस हद तक हिंसक है कि पलक झपकते ही वे किसी का भेजा उड़ा सकते हैं। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं होती। असल में तेज तरार अपूर्वा अपनी गाड़ी को आगे ले जाने की जिद में इन गुंडों के गुस्से को निमंत्रण दे बैठती है। अपूर्वा की एक बेक स्टोरी भी है। ये जिंदा दिल बहादुर और खूबसूरत लड़की अपने मंगेतर धैर्य करवा की वर्क सिटी में जाकर उसे उसके जन्मदिन पर सरप्राइज करना चाहती है, मगर तभी उसे अगवा कर दिया जाता है। अभी ये चारों गुंडे अपूर्वा का बलात्कार करके उसे मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी उसे सुनसान इलाके में पंडित राकेश चतुर्वेदी रास्ता खोजते हुए आ धमकता है। गुंडे उसे भी अपूर्वा के साथ बंधक बना लेते हैं। छोटे की थप्पड़ से बेहोश हुई अपूर्वा को होश आता है और वो पंडित के साथ भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। बस उसके बाद शुरू होता है खूनी खेल, जिसमें सबसे पहले पंडित मारा जाता है। डरी सेम जी और नाजुक अपूर्वा को गुंडे कमतर आंकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि ये सीधी सादी लड़की अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए रणचंडिका बन सकती है। मगर क्या अपूर्वा इन दानवों से बच पाती है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो लेखक निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की फिल्म की खूबी है इसका बांधे रखने वाला पेश। फिल्म थ्रिलर जोनर की है और नागेश इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि फिल्म खींचने न पाए। इस हिसाब से फिल्म का रन टाइम 1 घंटा 36 मिनट का है और वो परफेक्ट रहता है। दूसरी खूबी यह है कि डरी सहमी हुई नाजुक लड़की का अपने बल नहीं बल्कि बुद्धि के सारे हार ने मानने का जज्बा। आए दिन हमें लड़कियों के साथ होने वाली सेक्सुअल हेरेसमेंट की खबरों से दो चार होते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेम्बरशिप लेनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेंबरशिप ले लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अपूर्वा मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा।
आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपूर्वा मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। बात करें दोस्तों अपूर्वा मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी हमें डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी हमें Disney+ Hotstar पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर Disney+ Hotstar पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको ये मूवी Disney+ Hotstar पर देखने के लिए आपको Disney+ Hotstar का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए Disney+ Hotstar का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस मूवी का प्रीमियर हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया है Disney+ Hotstar पे, तो आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों निखिल भट्ट, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 6.2 की रेटिंग दी गई है, एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, Disney+ Hotstar पर जाके एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, देरिया करवा, राजपाल यादव आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी है। ये मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को Disney+ Hotstar पे जाकर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हिंदी भाषा में Disney+ Hotstar पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पे जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बंजर और बियाबान इलाके से, जहां दूर दूर तक आदमजात का पता नहीं। रास्ते में चार बेरहम और राक्षस सरीखे गुंडे एक बस को लूट कर रक्तपात कर देते हैं और अपने साथ अपूर्वा तारा सुतारिया को बंधक बना लेते हैं। ये चारों गुंडे जुगनू राजपाल यादव, सुक्का अभिषेक बनर्जी, बल्ली सुमित गुलाटी और छोटे आदित्य गुप्ता ऐसे हद तक हिंसक है कि पलक झपकते ही वे किसी का भेजा उड़ा सकते हैं। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं होती। असल में तेज तरार अपूर्वा अपनी गाड़ी को आगे ले जाने की जिद में इन गुंडों के गुस्से को निमंत्रण दे बैठती है। अपूर्वा की एक बेक स्टोरी भी है। ये जिंदा दिल बहादुर और खूबसूरत लड़की अपने मंगेतर धैर्य करवा की वर्क सिटी में जाकर उसे उसके जन्मदिन पर सरप्राइज करना चाहती है, मगर तभी उसे अगवा कर दिया जाता है। अभी ये चारों गुंडे अपूर्वा का बलात्कार करके उसे मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी उसे सुनसान इलाके में पंडित राकेश चतुर्वेदी रास्ता खोजते हुए आ धमकता है। गुंडे उसे भी अपूर्वा के साथ बंधक बना लेते हैं। छोटे की थप्पड़ से बेहोश हुई अपूर्वा को होश आता है और वो पंडित के साथ भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। बस उसके बाद शुरू होता है खूनी खेल, जिसमें सबसे पहले पंडित मारा जाता है। डरी सेम जी और नाजुक अपूर्वा को गुंडे कमतर आंकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि ये सीधी सादी लड़की अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए रणचंडिका बन सकती है। मगर क्या अपूर्वा इन दानवों से बच पाती है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो लेखक निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की फिल्म की खूबी है
इसका बांधे रखने वाला पेश है। फिल्म थ्रिलर जोनर की है और नागेश इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि फिल्म खींचने न पाए। इस हिसाब से फिल्म का रन टाइम 1 घंटा 36 मिनट का है और वो परफेक्ट रहता है। दूसरी खूबी यह है कि डरी सहमी हुई नाजुक लड़की का अपने बल नहीं बल्कि बुद्धि के सारे हार ने मानने का जज्बा। आए दिन हमें लड़कियों के साथ होने वाली सेक्सुअल हेरेसमेंट की खबरों से दो चार होते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेम्बरशिप लेनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेंबरशिप ले लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अपूर्वा मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपूर्वा मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। बात करें दोस्तों अपूर्वा मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी हमें डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। जी हाँ दोस्तों ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस मूवी का प्रीमियर हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों निखिल भट्ट, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.2 की रेटिंग दी गई है, एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, धैर्या करवा, राजपाल यादव आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। ये मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाकर एक बार तो इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बंजर और बियाबान इलाके से, जहां दूर दूर तक आदमजात का पता नहीं। रास्ते में चार बेरहम और राक्षस सरीखे गुंडे एक बस को लूट कर रक्तपात कर देते हैं और अपने साथ अपूर्वा तारा सुतारिया को बंधक बना लेते हैं। ये चारों गुंडे जुगनू राजपाल यादव, सुक्का अभिषेक बनर्जी, बल्ली सुमित गुलाटी और छोटे आदित्य गुप्ता इस हद तक हिंसक है कि पलक झपकते ही वे किसी का भेजा उड़ा सकते हैं। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं होती। असल में तेज तरार अपूर्वा अपनी गाड़ी को आगे ले जाने की जिद में इन गुंडों के गुस्से को निमंत्रण दे बैठती है। अपूर्वा की एक बेक स्टोरी भी है।
ये जिंदा दिल बहादुर और खूबसूरत लड़की अपने मंगेतर धैर्य करवा की वर्क सिटी में जाकर उसे उसके जन्मदिन पर सरप्राइज करना चाहती है, मगर तभी उसे अगवा कर दिया जाता है। अभी ये चारों गुंडे अपूर्वा का बलात्कार करके उसे मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी उसे सुनसान इलाके में पंडित राकेश चतुर्वेदी रास्ता खोजते हुए आ धमकता है। गुंडे उसे भी अपूर्वा के साथ बंधक बना लेते हैं। छोटे की थप्पड़ से बेहोश हुई अपूर्वा को होश आता है और वो पंडित के साथ भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। बस उसके बाद शुरू होता है खूनी खेल, जिसमें सबसे पहले पंडित मारा जाता है। डरी सेम जी और नाजुक अपूर्वा को गुंडे कमतर आंकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि ये सीधी सादी लड़की अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए रणचंडिका बन सकती है। मगर क्या अपूर्वा इन दानवों से बच पाती है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो लेखक निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की फिल्म की खूबी है इसका बांधे रखने वाला पेस। फिल्म थ्रिलर जोनर की है और नागेश इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि फिल्म खींचने न पाए। इस हिसाब से फिल्म का रन टाइम 1 घंटा 36 मिनट का है और वो परफेक्ट रहता है। दूसरी खूबी यह है कि डरी सहमी हुई नाजुक लड़की का अपने बल नहीं बल्कि बुद्धि के सारे हार ने मानने का जज्बा। आए दिन हमें लड़कियों के साथ होने वाली सेक्सुअल हेरेसमेंट की खबरों से दो चार होते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेम्बरशिप लेनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेंबरशिप ले लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अपूर्वा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपूर्वा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। बात करें दोस्तों अपूर्वा मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी हमें डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। जी हाँ दोस्तों ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस मूवी का प्रीमियर हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों निखिल भट्ट, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.2 की रेटिंग दी गई है एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, धैर्य करवा, राजपाल यादव आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं।
तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। ये मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस और स्टार पे जाकर एक बार तो इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बंजर और बियाबान इलाके से, जहां दूर दूर तक आदमजात का पता नहीं। रास्ते में चार बेरहम और राक्षस सरीके गुंडे एक बस को लूट कर रक्तपात कर देते हैं और अपने साथ अपूर्वा तारा सुतारिया को बंधक बना लेते हैं। ये चारों गुंडे जुगनू राजपाल यादव, सुक्का अभिषेक बनर्जी, बल्ली सुमित गुलाटी और छोटे आदित्य गुप्ता इस हद तक हिंसक है कि पलक झपकते ही वे किसी का भेजा उड़ा सकते हैं। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं होती। असल में तेज तरार अपूर्वा अपनी गाड़ी को आगे ले जाने की जिद में इन गुंडों के गुस्से को निमंत्रण दे बैठती है। अपूर्वा की एक बेक स्टोरी भी है। ये जिंदा दिल बहादुर और खूबसूरत लड़की अपने मंगेतर धैर्य करवा की वर्क सिटी में जाकर उसे उसके जन्मदिन पर सरप्राइज करना चाहती है, मगर तभी उसे अगवा कर दिया जाता है। अभी ये चारों गुंडे अपूर्वा का बलात्कार करके उसे मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी उसे सुनसान इलाके में पंडित राकेश चतुर्वेदी रास्ता खोजते हुए आ धमकता है। गुंडे उसे भी अपूर्वा के साथ बंधक बना लेते हैं। छोटे की थप्पड़ से बेहोश हुई अपूर्वा को होश आता है और वो पंडित के साथ भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। बस उसके बाद शुरू होता है खूनी खेल, जिसमें सबसे पहले पंडित मारा जाता है। डरी सेम जी और नाजुक अपूर्वा को गुंडे कमतर आंकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि ये सीधी सादी लड़की अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए रणचंडिका बन सकती है। मगर क्या अपूर्वा इन दानवों से बच पाती है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो लेखक निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की फिल्म की खूबी है इसका बांधे रखने वाला पेस। फिल्म थ्रिलर जोनर की है और नागेश इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि फिल्म खींचने न पाए। इस हिसाब से फिल्म का रन टाइम 1 घंटा 36 मिनट का है और वो परफेक्ट रहता है। दूसरी खूबी यह है कि डरी सहमी हुई नाजुक लड़की का अपने बल नहीं बल्कि बुद्धि के सारे हार ने मानने का जज्बा। आए दिन हमें लड़कियों के साथ होने वाली सेक्सुअल हेरेसमेंट की खबरों से दो चार होते हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर। लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार की मेम्बरशिप लेनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय करने के लिए डिज्नी प्लस हॉट स्टार की मेंबरशिप ले लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।